चैली हेल्प वीडियोस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप लाइसेंस सर्वर सिस्टम पर एजुकेशनल मोड में बदले हुए टैली प्राइम लाइसेंस को चलाने का तरीका जानेंगे। मल्टी यूजर वातावरण में जिस सिस्टम में आप लाइसेंस सक्रिय करते हैं उसे लाइसेंस सर्वर सिस्टम कहा जाता है। सर्वर सिस्टम में लाइसेंस की स्थिति विभिन्न कारणों से एजुकेशनल हो सकती है। चलिए हम विभिन्न सिनेरियो को देखते हैं और जानते हैं कि कैसे सर्वर सिस्टम पर लाइसेंस को चलाया जा सकता है। लाइसेंस एजुकेशनल में बदलने का कारण हो सकता है सिस्टम में संबंधित गतिविधियों जैसे फॉर्मेट, हार्ड डिस्क में बदलाव और विंडोज अपडेट। ऐसे मामले में सिस्टम रजिस्ट्री परिवर्तन के कारण लाइसेंस निष्क्रिय हो जाता है। आपको लाइसेंस को पुनः सक्रिय करने की आवश्यकता पड़ेगी। टैली प्राइम में लाइसेंस को फिर से सक्रिय करने का तरीका जानने के लिए आप लाइसेंस रिएक्टिवेशन पर हमारा वीडियो देख सकते हैं। आइए हम दूसरे सिनेरियो को देखें जिसमें लाइसेंस अक्सर एजुकेशनल में बदल जाता है। कभी कभी टैली प्राइम खोलने पर लाइसेंस एजुकेशनल में बदल जाता है। ऐसा कई कारणों से होता है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि गेटवे सर्विस बंद है या बार बार बंद हो रही है। टैली प्राइम गेटवे सर्विस के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त करता है। जब यह सेवा बंद हो जाती है तो उस सिस्टम को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जहां इसे कॉन्फिगर किया गया है। ऐसे मामले में आपको अपने सिस्टम पर टैली गेटवे सर्वर की स्थिति की जांच करनी पड़ेगी। services.msc खोलने के लिए विंडोज प्लस आर दबाएं। services.msc टाइप करें और एंटर दबाएं। सर्विसेज विंडो दिखेगा। इस विंडो में आप अपने टैली गेटवे सर्वर की पहचान कर सकते हैं। जब कर्सर सर्वर पर होता है तो आप बाएं ओर डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं जो आपको सही सर्वर की पहचान करने में मदद करेगा। पहचानने के बाद सर्वर की स्टेटस टाइप की जांच करें। जैसा कि आप देख सकते हैं यह ऑटोमेटिक है। फिर स्टेटस जांचें। यदि कोई स्टेटस नहीं है तो सर्विस बंद कर दी गई है। सर्विस को शुरू करने के लिए राइट क्लिक करें और स्टार्ट पर क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेटस रनिंग में बदल गई है। यदि समस्या बनी रहती है तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप नवीनतम रिलीज में अपग्रेड करें। यदि आप टैली प्राइम रिलीज 1.1.3 या पुराने संस्करणों का उपयोग कर रहे हैं, भावना यह भी है कि लाइसेंस कई सिस्टम पर पुनः सक्रिय किया गया था। एक से ज्यादा सिस्टम पर एक ही लाइसेंस के पुनः सक्रिय होने से पहले सक्रिय किया गए सिस्टम में लाइसेंस एजुकेशनल में बदल जाएगा। यह काफी हद तक मल्टी यूजर वातावरण में होता है। एक मल्टी यूजर वातावरण में एक सिस्टम पर लाइसेंस सक्रिय होता है जो सर्वर सिस्टम बन जाता है। अन्य सिस्टम जो लाइसेंस सर्वर सिस्टम के क्लाइंट है उन्हें गेटवे सर्विस के साथ कॉन्फिगर किया जाना चाहिए। हम रेकमेंड करते हैं कि आप डेटा बैकअप ले और लाइसेंस सर्वर सिस्टम पर लाइसेंस को पुनः सक्रिय करें और फिर आप क्लाइंट सिस्टम पर उसी लाइसेंस को कॉन्फिगर कर सकते हैं। लाइसेंस को कॉन्फिगर करने के लिए यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क पर क्लिक करें। कॉन्फिगर योर लाइसेंस स्क्रीन दिखाई देती है और जो लाइसेंस उपलब्ध है वे स्क्रीन पर सूचीबद्ध होंगे। अब कर्सर को सही लाइसेंस पर लाएं और एंटर दबाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं लाइसेंस कॉन्फिगर हो गया है। ऐसा हो सकता है कि लाइसेंस गलत गेटवे पर कॉन्फिगर हो गया है। हम रेकमेंड करते हैं कि क्लाइंट सिस्टम से अवांछित गेटवे सेवाओं को अनइंस्टॉल कर दिया जाए।
सर्विसेज की सूची देखने के लिए सर्विसेज विंडो खोलें। आप देख सकते हैं कि टैली ईआरपी 9 और अन्य प्रोडक्ट्स के लिए एक सर्वर है। अब मान लीजिए कि इस सिस्टम में सिर्फ टैली प्राइम का ही इस्तेमाल होता है, तो आप टैली ईआरपी 9 के सर्वर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप लाइसेंस को पुनः सक्रिय करते हैं, तभी इस सर्वर को अनइंस्टॉल करने से गेटवे में कॉन्फ्लिक्ट और गलत कॉन्फ़िगरेशन से बच सकते हैं। सर्वर पर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज क्लिक करें। इस विंडो को खुला रखें क्योंकि सर्वर के फोल्डर पथ पर नेविगेट करने के लिए आपको इसकी आवश्यकता होगी, जिसे आप पाथ टू एग्जीक्यूटेबल के तहत पहचान सकते हैं। अब कमांड प्रॉम्प्ट को एडमिनिस्ट्रेटर मोड में खोलें। सर्च बॉक्स पर CMD टाइप करें और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रीन दिखाई देती है। अब उस फोल्डर तक नेविगेट करें जिसमें टैली गेटवे सर्वर इंस्टॉल किया गया है। CD टाइप करें, स्पेस बार दबाएं और C:// टाइप करें। अब C:// टाइप करें, स्पेस बार दबाएं और प्रोग्राम फाइल्स टाइप करें और पूरा पथ टाइप करें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अंत में -u जोड़ें और एंटर दबाएं। टैली गेटवे सर्वर है। कमांड प्रॉम्प्ट को बंद करें। सर्विसेज विंडो खोलें, उस पर राइट क्लिक करें और फिर रिफ्रेश क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, टैली गेटवे सर्वर जिसे अनइंस्टॉल किया गया था वह अब सूची में नहीं है। अब टैली प्राइम खोलें और चेक करें। अगर समस्या बनी रहती है तो स्टार्टअप स्क्रीन पर रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस क्लिक करें और पुनः सक्रियण प्रक्रिया का पालन करें। अब हम तीसरे सिनारियों पर नजर डालते हैं। जब आपका सिस्टम 30 दिनों से अधिक समय तक इंटरनेट से कनेक्ट नहीं रहता है तो लाइसेंस निष्क्रिय हो जाता है। हम रेकमेंड करते हैं कि आप समस्या से बचने के लिए 30 दिनों में कम से कम एक बार इंटरनेट से कनेक्ट हो। यदि इस कारण से लाइसेंस एजुकेशनल हो गया है तो आप इंटरनेट से जुड़ सकते हैं और टैली प्राइम को रीस्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, ऐसे कई सिनारियों हो सकते हैं जिनमें आपका लाइसेंस एक मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में लाइसेंस सर्वर सिस्टम पर एजुकेशनल हो जाता है। टैली प्राइम में सुविधाओं का आनंद लेने के लिए आप इस वीडियो में प्रदर्शित चेकलिस्ट और समस्या निवारण युक्तियों का पालन कर सकते हैं। धन्यवाद। टैली प्राइम फीचर्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए help.tallysolutions.com